दोस्तों, क्या आपका प्लान सी जो है वो तैयार है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्केट के प्लान सी के बारे में। प्लान ए और बी जो है वो तो आपके बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन कोई भी जो दोस्त है वो प्लान सी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आज जो है वो हम बात करेंगे प्लान सी के ऊपर। प्लान ए का मतलब है दोस्तों कि हम जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी जो है वो सौदा बनाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसके अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो हमें प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। और प्लान बी का मतलब है दोस्तों कि हम वो प्रॉफिट का खर्चा करेंगे, पहले से जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है वो इससे हमारी कार की लोन जाएगी, हफ्ता जाएगा, घर का जो है वो लोन का जो है वो हम पेमेंट करेंगे, बच्चों की फीस जो है वो पेमेंट करेंगे, लॉस जो है वो रिकवर होगा हमारा, ये सारा जो है वो हमारा कैलकुलेशन जो है वो चलता रहता है प्लान बी के अंदर। लेकिन प्लान सी हम सोचते ही नहीं। प्लान ए बहुत ही बढ़िया है, कमाएंगे, प्लान बी भी बढ़िया है, हम उसको जो है वो कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन प्लान सी के बारे में हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है दोस्तों। तो प्लान सी का मतलब है कि मान लो कि आपने जो सौदा बनाया था वो पूरा गलत ही हो गया है, क्योंकि हमें सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें जो है वो ये मान के चलते कि भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम तो यही सोच के चलते हैं कि हमें जो है वो सौदा बनाया तो बस हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा होता नहीं है। तो हमें ये भी सोचना जरूरी है कि अगर ये सौदा जो है वो गलत हो गया, हमारा पूरी तरीके से 100% रॉन्ग हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो हमें दोस्तों ये सिचुएशन के अंदर ऐसा करना चाहिए कि आपकी जो जॉब पुरानी थी या आपका जो बिजनेस है, अगर आपने दोनों साथ में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग और बिजनेस, तो आपको जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फिर ट्रेडिंग को आपको इग्नोर कर देना है, हमारा जो ईगो है वो ईगो को साइड में कर देना है, हमसे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा इसको जो है वो साइड कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर ये साइड नहीं हो गया तो मार्केट हमें साइड कर देगा, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, और ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि प्लान सी भी जो है वो हमें फॉलो करना है, कि हमारा प्लान ए और बी जो है वो गलत हो गया, हमने जो कैपिटल लगाई थी 8, 10, 15, 20, 25 जो भी लाख रुपए आपने लगाए थे, वो लगाने के बाद भी आपको जो है वो कुछ सामने रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो हमें क्या करना है? मार्केट को जो है वो टाटा गुड बाय करके एग्जिट हो जाना है, हमारे ईगो को साइड करके वापस हमारा जो पुराना बिजनेस जो था या जॉब जो थी उसके ऊपर जो है वो वापस हमें जो है वो लग जाना चाहिए। इसको हम कहेंगे प्लान सी। और दोस्तों हमेशा अगर आप अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर करते क्या है कि एक लॉट की कैपेसिटी होती है और 4, 5, 10 लॉट में काम करते हैं, और हमारी जो पुरानी जो पूरी सैलरी होती है महीने भर की वो उसमें चली जाती है। तो आप जो है वो ये गलती बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये मार्केट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो मिले। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।